2020 में बीएड होगा एक साल का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 2020 में बीएड एक साल का होगा उसमें क्या योग्यता है, कौन कौन कर सकता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि नई शिक्षा नीति ड्राफ्ट के अनुसार एक ड्राफ्ट में लिखा गया है कि 2020 में बीएड एक साल की भी होगी, क्या योग्यता रखी गई है, इस वीडियो में बात करूँगा। साथ ही एक साल, दो साल, चार साल बीएड में से कौन सा सबसे बेस्ट बीएड है और कौन सा करना चाहिए और किस किस कौन सी क्वालिटी चाहिए जिससे हम एक साल का बीएड भी कर सकते हैं या फिर चार साल का भी कर सकते हैं या दो साल का भी कर सकते हैं, तो इस वीडियो में बात करूँगा। उससे पहले छोटा सा निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर एजुकेशन। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में बात करूंगा एक साल वाला बीएड कौन कौन कर सकता है, दो साल वाला बीएड कौन कौन कर सकता है, साथ ही चार साल वाला बीएड कौन कौन कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम पीछे से चालू करते हैं, चार साल वाला बीएड कौन कर सकता है। जी हाँ, सबसे पहले हम चालू करते हैं चार साल वाला बीएड कौन कौन कर सकता है। आफ्टर ट्वेल्थ अगर आप शिक्षा यानी टीचर के क्षेत्र में जाना चाहते हो, अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो तो आफ्टर ट्वेल्थ चार साल का बीएड सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जी हाँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसको क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसा कि आप सभी को कि राजस्थान में पीटीटी के नाम से एक मशहूर कोर्स जो होता है जिसमें आप चार साल वाला बीएड का भी फॉर्म भर सकते हो, साथ ही दो साल वाला बीएड का भी फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं दो साल वाला बीएड कौन कौन कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है। जी हाँ, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है यानी कि बीए कर रखी है, वो बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, ये कर रखी है, तो आप जिसने भी, मैं पहले कह रहा हूँ, जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखी है वो दो साल का बीएड कर सकता है। अब बात करते हैं जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया एक साल वाला, ये बहुत ही कमेंट आ रही थी सर एक साल वाला बीएड कब चालू होगा, तो जी हाँ 2020 में चालू हो जाएगा क्योंकि नई शिक्षा नीति पॉलिसी के अनुसार एक साल का बीएड भी लागू कर दिया गया है। और यूपी में तो एंट्रेंस एग्जाम में भी चालू, अभी यूपी का जो नोटिफिकेशन आया थोड़ा बहुत उसमें लिखा हुआ है कि एक साल वाला बीएड भी कर सकते हैं, तो राजस्थान में भी जल्द जारी किया जाएगा 2020 में एक साल वाला बीएड। अब बात करते हैं इस बीएड को कौन कौन कर सकता है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दो एक साल वाला बीएड कौन कौन कर सकता है, यानी कि मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर ट्वेल्थ का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस पीजी होना चाहिए दो साल का। जी हाँ, प्लस दो साल का पीजी होना चाहिए। अब सारे ये पूछेंगे सर पीजी में कौन कौन सा हो गया, तो सबसे मैं आपको बता दूँ, जिसके पास एमकॉम की डिग्री है वो कर सकता है, जिसके पास एमएससी की डिग्री है वो कर सकता है एक साल का बीएड, और साथ ही जिसके पास एमए की डिग्री है वो भी कर सकता है एक साल का बीएड। ये सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक साल का भी बीएड 2020 में लागू हो जाएगा और इसका खर्चा मात्र, अगर आप सरकारी कॉलेज में करते हैं तो मात्र 1600-1700 रुपये आएगा, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में करते हो तो वहाँ खर्चा आपका 3000 तक बैठ सकता है। जी हाँ, ट्वेल्थ की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, साथ ही आप ग्रेजुएशन की होनी चाहिए और पीजी दो साल का पीजी, जिसको एमकॉम कर रखी हो, एमएससी कर रखी हो या एमए कर रखी हो, ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए जिससे आप चार साल का बीएड भी आराम से, सॉरी एक साल का बीएड भी आराम से कर सकते हो, 2020 में चालू हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी चाहिए तो लिंक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम कमेंट का नेक्स्ट वीडियो में उसका ज़रूर सॉल्यूशन निकालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप सभी का धन्यवाद। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि 2020 में बीएड होगा एक साल का।